हेलो एवरीवन नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है यूजी सीरियर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है संस्कृति और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने थोड़ा बड़ा जरूर सुना होगा अगर आप सीरियस एस्परेंट हैं जीवन में हकीकत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भारत के शैक्षणिक संस्थान भी हैं जहाँ पे जब आप पीएचडी करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका एपीआई स्कोर काउंट होता है और ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें अगर आपके डिसेंट मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको इंटरव्यू देने से डिनाई भी किया जा सकता है तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि एपीआई स्कोर होता क्या है इसे कैसे काउंट करते हैं और इसकी क्या रेलिवेंस है ठीक है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड आई मेक श्योर कि आपको इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल सके ठीक है डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ आप सभी को हालांकि अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आपको पता चला भी होगा कि आ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पर जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति निकलती है लोगों को उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सिर्फ ऐसे लोग जिनके पास नेट है उनको नहीं बुला लिया जाता है उसमें भी एपीआई स्कोर का क्या होता है बहुत बड़ा रोल होता है तो आई हैव गॉट सर्टेन कॉल्स इंटरव्यू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने इंटरव्यू भी दे रखे हैं तो शायद वो कॉल इसलिए आए थे क्योंकि मेरा ए स्कोर बन रहा था तो बिल्कुल आप सभी भी उम्मीद है कि आज कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे कि आपका एपीआई स्कोर कितना बन रहा है और वो एक जो डिसेंट अमाउंट चाहिए होता है ए स्कोर का किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉल के लिए इंटरव्यू के कॉल के लिए या पी के एनरोलमेंट के लिए वो क्या होता है सबसे पहली बात ए का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बस ये बात पकड़ लेते हैं कि हमारा नेट जार हो गया अब तो हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी बट सच बात तो ये है कि नहीं आती कॉल और ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी इनिशियली जब एपीआई स्कोर शायद डिसेंट नहीं रहा होगा तब नहीं आती थी कॉल कहीं से भी नहीं आती थी या एक आध कहीं थोड़ी जगह से आगे बढ़ना नहीं आती थी ठीक तो है तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि आपको और ज्यादा नजदीक आपके जॉब के लेकर के जाएगी एपीआई का फुल फॉर्म होता है अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई का फुल फॉर्म होता है अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है अब आप ये सोचिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे इतने यू नो उच्च पद के लिए क्या सिर्फ एक स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हो जाना बस आ, जरूरी है एक साइकिल में कितने ही बच्चे जो हैं उनका नेट निकलता है साल भर में दो बार एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है 21 के ऊपर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकता है अब आप सोचो कि दो-दो चार-चार सीटों के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा क्या वो आधारों जिसके आधार पे लोगों को कैंडिडेट्स को छाटा पाए छाटा जा पाए क्या वो कारण है जिसके आधार पर एक कैंडिडेट या मान लीजिए आप ही अपनी दावेदारी प्रूफ कर पाए कि बाकी जो मेरे कैंडिडेट बाकी जो मेरे कंपेटिटर्स हैं जिनके पास मेरी ही बराबर की क्या है क्वालिफिकेशन है उनसे ज्यादा अच्छा मैं हूँ या उनसे ज्यादा अच्छी मैं हूँ मैं ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो ये जो छटाई होती है ये जो छांट पाना होता है सेग्रीगेशन होता है ये एपीआई स्कोर के माध्यम से किया जाता है क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से एक सीट के लिए हजारों लाखों इंटरव्यू कंडक्ट हजारों लाखों कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ठीक है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या बेसिकली ये इंडेक्स जो है ना वो बताता है कि आपके हर जीवन के हर एक अचीवमेंट के लिए कुछ मार्क्स देता है ठीक है आपकी हर एक अचीवमेंट के लिए जीवन की कुछ मार्क्स देता है तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है आपके पैंसठ प्रतिशत रहे हैं ठीक है ना तो इसके लिए आपको कुछ नंबर मिलेगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लीजिए सत्तर प्रतिशत रहे हैं तो इसके लिए कुछ नंबर मिलेगा आपने नेट जे आर एफ क्वालिफाई किया तो इसके लिए कुछ नंबर आप अगर आवाज़ में यही बता रही हूं डियर यही बता रही हूं मैं क्या हाउ टू कैलकुलेट ये सेशन ही इसलिए है कि मैं बताऊं कि कैसे कैलकुलेट करते हो ठीक है अच्छा तो हर एक आपके अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नंबर है ठीक है पीएचडी करी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे एपीआई स्कोर के इंडेक्स के हिसाब से कि इतना इतना परसेंटेज रहा है तो इतने मार्क्स मिलेंगे इतना किया है तो इतना मिलेगा अगर आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा आपने अगर रिसर्च पेपर जो है उसको पब्लिश किया है तो उसके लिए इतने मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से टोटल कुछ हंड्रेड नंबर का जो है वो परफॉर्मा होता है एंड आपकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो भी मार्क्स आए हैं परसेंटेज आए हैं कोई अवार्ड मिला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नेट जे आर एफ है पी एच डी है एम फिल है, है आपको इसके बेसिस पर आपका एपीआई स्कोर बनता है टोटल हमेशा हंड्रेड पर ही बनेगा ध्यान रखिएगा टोटल आपका जो एपीआई स्कोर है वो हंड्रेड पर ही बनेगा लेकिन अलग अलग संस्थानों में अलग अलग संस्थानों में जो बेंचमार्क है वो अलग अलग होता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कॉमन सेंस है कि बेंचमार्क ऊपर होगा कॉमन सेंस है तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 100 में से कम से कम आपका एपीआई 60 होना चाहिए तब आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आएगी वरना कॉल भी नहीं आएगी ठीक है क्लियरली लिखा हुआ है कि कितना एपीआई होना चाहिए लगभग आपका 60 एपीआई होना ही होना चाहिए चलिए देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका एपीआई जो है वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कैसे कैलकुलेट होता है सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन में छांट-छांट के ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन लाने की कोशिश करती हूं ऐसे सेशंस जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है जिनके बारे में आप सभी को जानना बहुत आवश्यक है है ना तो मुझे लगता है कि ये बात तो कहने वाली थी ही नहीं कि सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए बट ठीक है आ, कोई बात नहीं बस थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चा सेशन को ना ही शेयर करता है ना ही लाइक करता है बस उस घड़ी उस समय लगता है कि ये मेहनत किसके लिए क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मुझे क्या करना है है ना मुझे तो पता है कि एपीआई आई क्या है मैंने एपीआई के ही हिसाब से अपना पोर्टफोलियो भी बनाया मैं मेहनत कर रही हूँ राइट right? देखो एपीआई जो है वो हमेशा हंड्रेड पॉइंट स्केल पर चलता है ध्यान रखिएगा हंड्रेड पॉइंट स्केल पर चलता है पहली चीज़ देशबंधु कॉलेज का ये पी uh, डी खुला हुआ है देशबंधु कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है और उसके पी में बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साफ साफ लिखा है देखो क्राइटेरिया क्या होगा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का ठीक है तो नेट वाले बच्चों को अप्लाई करने की अनुमति है लेकिन उसमें भी क्या क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका एपीआई अभी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साठ से ज्यादा होगा एपीआई काउंट कैसे होता है चलिए काउंट करते हैं आप भी काउंट करिएगा मेरे साथ साथ सबसे पहले देखा जाता है आपके ग्रेजुएशन के नंबर को कितने नंबर थे भैया परसेंटेज कितने थे आपके ग्रेजुएशन के लिख दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे आपके ग्रेजुएशन में कितना परसेंट था आपका अगर आपका ग्रेजुएशन में 80 या 80 से ऊपर है 80 प्रतिशत या 80 प्रतिशत से ऊपर है तो आपको 21 नंबर मिल जाएंगे कितने मिल जाएंगे आपको 21 नंबर मिल जाएंगे कितने मिलेंगे 21 नंबर मिलेंगे अच्छा मैम मेरा 79 रह गया मेरा 79 रह गया तो जिन बच्चों का 60 से 80 के बीच में परसेंटेज रहा है जिन भी बच्चों का 60 से 80 के बीच में परसेंटेज रहा है हमारे पास दो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल है दो स्टूडेंट्स अलग अलग बता रहे हैं मैम मेरा 78 है एक कह रहे हैं 69 है 60 और 80 के बीच में ये दोनों आ जाएंगे 78 और 69, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या एपीआई रहेगा 19 कितना स्कोर रहेगा आपका उन्नीस रहेगा जोड़ लीजिए जिन बच्चों का पचपन से साठ के बीच में परसेंटेज रहा है ग्रेजुएशन का उनको कितने मार्क्स मिलेंगे सोलह मिलेंगे उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे जी सोलह मार्क्स मिलेंगे जिन स्टूडेंट्स का फोर्टी फाइव से फिफ्टी फाइव के बीच में रहा है उनको केवल और केवल दस मार्क्स मिलेंगे और जिनका फिफ्टी फोर्टी फाइव से कम रहा है जीरो जिनका फोर्टी फाइव से कम रहा है जीरो हर्ष कह रहे हैं उनका एटी सिक्स था तो ऐसा 80, 80 है, तो तुमको 21, ग्रेजुएशन में ठीक है? कैसे, कैसे कैसे है? है आगे बढ़े पोस्ट ग्रेजुएशन का देखें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्राइटेरिया है कि अगर एक कैंडिडेट का 80 प्रतिशत से ज्यादा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उस कैंडिडेट को 25 नंबर मिलेंगे ग्रेजुएशन में 80 प्रतिशत से ज्यादा है तो 21 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 नंबर से ज्यादा है तो 25 60 से 80 के बीच में है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 23 नंबर 55 प्रतिशत है ठीक है ना 60 से लेके 55 प्रतिशत तक है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 20 नंबर और यहाँ पे एस टी एस सी ओ बी नॉन क्रीमिलियर कम्युनिटी एड पी कम्युनिटी के जो लोग हैं ठीक है पी डब्ल्यू Uh, कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पांच परसेंट की रियायत है मतलब उनके लिए 50 से 60, चलो अच्छा अब क्योंकि एम का जमाना था अभी बहुत सारे ऐसे लोग है जिनकी एम हो चुकी है, है ना क्योंकि अभी अभी ही एम का जो प्रावधान है वो क्वाश किया गया है और उसमें भी मल्टीपल तरीके हैं उसके बारे में कभी बात करेंगे ठीक है एम फिल अगर किसी का है किसी का क्या है एम फिल है कंप्लीट एम फिल है एम फिल में साठ प्रतिशत से ज्यादा है किसी स्टूडेंट को तो उसको उस उस डिग्री के सात नंबर मिल जाएंगे कितने मिल जाएंगे उस डिग्री के सात प्रतिशत मिल जाएंगे ठीक है चलो अगर एम फिल है किसी भी स्टूडेंट का मान लीजिए आपका ही और आपके साठ से पचपन प्रतिशत के बीच में परसेंटेज रहे हैं तो आपको पाँच नंबर काउंट कर लिया सभी ने यहां तक और अगर आपकी एम फिल नहीं, नहीं है या आपके साठ पचपन पचपन से साठ के बीच में भी परसेंटेज नहीं है तो जीरो यहां पे क्या रहेगा जीरो काउंट करोगे आप राइट ठीक है चलो ओके नेक्स्ट है अगर आपकी पीएचडी है अगर आपकी पीएचडी है ठीक है तो आपको सीधे 25 नंबर मिलेंगे ये वो चीज है जिसको लेकर के लोग हमेशा कहते हैं कि पीएचडी वालों को अपर हैंड मिलता है दिस इज द रीजन व्हाई पीएचडी वालों को अपर हैंड मिलता है एपीआई में सीधे 25 नंबर की बढ़त मिलती है एपीआई में सीधे 25 नंबर की बढ़त मिलती है ठीक है बेटा यहां सीधे लिखा है ग्रेजुएशन से काउंट हो रहा है क्या क्वेश्चन है इसमें फातिमा

नेक्स्ट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका नेट और जे दोनों होगा है किसी का अगर आपका नेट और जे दोनों क्वालिफाइड है तो आपको दस नंबर मिलेंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जे नहीं है नेट है ठीक है जिनका जे नहीं है नेट है उस स्थिति में आठ नंबर उस, इस, उस स्थिति में क्या है आठ नंबर ठीक है चलो इसके अलावा पेपर पब्लिश करोगे ठीक है जितनी भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स या पीयर जर, रिव्यू जो जर्नल्स uh, वगैरह होते हैं उसमें अगर आप पेपर पब्लिश करोगे तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं हर एक पेपर को पब्लिश करने के रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के दो नंबर मिलेंगे मैक्सिमम आपको छ नंबर मिल सकते हैं ठीक है मैक्सिमम आपको क्या है छ नंबर मिल सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं फातिमा आपकी इच्छा अगर आपको लगता है कि हम क्वालिटी सर्व करते हैं तो चॉइस आपकी है

ठीक है राइट इसलिए कहते हैं कि थोड़ा एक्सपोजर ले लीजिए थोड़ा नौकरी वगैरह अगर मिलती है तो कर लीजिए नेक्स्ट इज अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टोरल का क्या है पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टोरल भी होता है अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टोरल का एक्सपीरियंस है तो हर वर्ष के लिए आपको दो नंबर मिलेगा

और उसमें से आपका जो भी स्कोर बनेगा वो आपका एपीआई स्कोर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए खासतौर तो पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो विश्वविद्यालय है वहां अब दो चार नंबर का इधर उधर कहीं कहीं होता रहता है इसलिए हमेशा जब भी आप किसी पीएचडी के लिए अप्लाई करो या कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर जरूर पढ़ लेना नोटिफिकेशन पढ़ लेना एपीआई चेक कर लेना आपका कितना बन रहा है हो सकता है कि आप सोच रहे हो मेरा एपीआई कम बन रहा है मैं तो क्यों ही अप्लाई करूं और उनकी स्कीम के हिसाब से ज्यादा बन रहा है दो पांच नंबर में भी बहुत बड़ा फासला हो जाता है लेकिन ये स्टैंडर्ड एपीआई है यार ये स्टैंडर्ड है इससे दो चार नंबर इधर उधर होते हैं ज्यादा कुछ नहीं होता है ठीक है आया समझ ओके कितना बन रहा रहे भैया तुम लोगों का एपीआई तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप अपना एपीआई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी माफ करेगा कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट साठ मार्क्स या उससे ज्यादा लेकर के आएंगे एपीआई में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा साफ साफ लिखा हुआ है देशबंधु कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसका एक पीडीएफ खोला हुआ है मैंने यहाँ पे ठीक है ओके सिक्सटी मार्क्स कम से कम चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स कम हैं यू आर लकी इनफ तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो आप अपना एपीआई कैसे बढ़ा सकते हो कितना बन रहा है ए लिखो यार इतना मैंने तो पूरा पढ़ा दिया कि कैसे एपीआई कैलकुलेट करते हैं तुम लोग ने ना लाइक like किया ना शेयर किया ना अपना एपीआई बताया कितना बन रहा है ए कितना बन रहा है ए आपका जो भी ए बन रहा है ए को इंक्रीज करने का क्या तरीका है पहले तो ये है यार कि नेट जी कर लो पी में एनरोल हो जाओ क्योंकि वो आपका जोड़ लो सारा सारा ए जोड़ लो ठीक है सबसे पहला तो ये है कि आपका सपना ही है नेट करना और उसके बाद पीएचडी करना तो पीएचडी में एनरोल हो जाओ कर लो, कर लो लो ठीक है इसके अलावा जॉब्स अगर मिल रही हैं जॉब कर लो रिसर्च पेपर अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हो एम फिल प्रोग्राम में एनरोल हो ठीक है तो क्या करो एक आध रिसर्च पेपर छाप लो ठीक है मेहनत करो रिसर्च पेपर पे गेट इट पब्लिश्ड वो आपको आगे पीएचडी में भी काम करेगा और जो जीआरएफ की फेलोशिप लोगे ना उसमें भी काम आएगा ठीक है अभी से मैं बता दे रही हूँ बहुत सारे अंदर की खबरें बताऊंगी तुम्हें यूनिवर्सिटीज की ओके okay? क्यों ऐसा करूंगी मैं क्योंकि मैं खुद इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हुई हूँ तो वो नजदीक से देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में जब आप एनरोलमेंट ले लेते हो तब आपको बताया जाता है पहले नहीं बताया जाता आगाह नहीं किया जाता है परेशान किया जाता है अरे हर जगह लेकिन हाँ ट्राई हार्ड गेट योर रिसर्च पेपर पब्लिश नौकरी कर लोगे तो एक्सपीरियंस का मिल जाएगा पीएचडी में एनरोल कर लोगे तो उसका ठीक है जी ओके चले कॉन्फ्रेंस पेपर नहीं उसको पब्लिश करवाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस पेपर तो हर कोई ले लेता है वो आपका प्रॉपर जर्नल में पब्लिश हो रहा है फिर ठीक है वो तो आप जो कॉन्फ्रेंस में पेपर देते हो वो तो लूज सा होता है वो उतना उसका कोई वो नहीं होता उसकी एक बुकलेट छपती है वो नहीं लेकिन कुछ सेलेक्टेड पेपर जो हैं वो पब्लिश होते हैं अलग अलग जर्नल्स में ठीक है वैसा ठीक है चलो तो दिस इज़ इट उम्मीद और आशा है कि आप सभी को आ, अपना ए के बारे में पता चल गया होगा कि ए क्या है है ना जी और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इवन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पी के तो भी कई जगहों पर बेसिक तरीके से ए को कैलकुलेट किया जाता है मतलब आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नेट जी इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है खासतौर पर जो आई वगैरह में अगर आप पी कर रहे हो वहाँ पर होता है ठीक है ना तो उम्मीद है कि तुमको ए का इल्म लग गया होगा और जब भी आप कभी अप्लाई करोगे तो ए का प्रावधान

उसकी यू की जो टीम है उसके मेगा पैक्स पर चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर ठीक है जी तो क्यों ना इस गणतंत्र दिवस की जो खुशी है वो हम आप सभी के साथ बांटें तो आपको जो कोर्सेज छः महीने के लिए मिल रहे थे यू जी सी नेट जे के सेम कोर्सेज और ज़्यादा डिस्काउंट के साथ सेम कोर्सेज और ज़्यादा डिस्काउंट के साथ छः महीने की जगह बारह महीने के लिए मिल रहे हैं ठीक है मतलब खुशी दुगनी राइट right? चले तो आप क्या कर सकते हो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जा सकते हो ठीक है आप क्या कर सकते हो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जा सकते हो ओके okay? रिसर्च का मतलब ही प्राची पीएचडी होता है कर सकते हो ठीक ऑल कोर्सेज पर क्लिक कर लीजिए यूजीसी को सेलेक्ट कर लीजिए कोशिश करिए देखो बहुत तरीके होते हैं पीएचडी में एनरोल करने के सेट वर्ड दे दो रट दे दो नेट से आप बच जाते हो लेकिन कहीं ना कहीं ना छेके में आपको लेगा नेट मतलब कि लपेटे में ले लेगा तो इसलिए सही और होशियार और कैलकुलेटिव मूव यही है कि आप समय रहते नेट या जे कर लें ठीक है फायदा इसमें ही है जिन्होंने नहीं किया आप अपने अगल बगल देखो आपको कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र के लोग देखेंगे नेट का एग्जाम में आते क्यों क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे नहीं किया और उनको आज जरूरत पड़ गई और इसलिए अब वो नेट कर रहे हैं तो आप उनकी तरह मत बनिए आप थोड़ा स्मार्ट जमाने के बच्चे हैं स्मार्टनेस के साथ क्या करिए प्रिपरेशन करिए ठीक है UGC पर जाकर के UGC जी नेट जून 2024 पर क्लिक कर लीजिएगा राइट आप देखिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं पेपर वन के कोर्सेज़ हैं पेपर टू में हमारे पास कॉमर्स होम साइंस हिंदी एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाती हूँ मैनेजमेंट है हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन है आ, इसके अलावा जोग्राफ़ी है इकोनॉमिक्स है संस्कृत है इंग्लिश है ढेर सारे पेपर टू के भी सब्जेक्ट्स हैं ठीक है लेकिन क्योंकि जनरली हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम कॉस्ट पर पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी दोनों का कंटेंट दोनों की टेस्ट सीरीज दोनों के डाउट सेशन दोनों की पीडीएफ दोनों के पी एक जगह एक ही समय पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए हिजल फ्री तरीके से हमको कहीं मैम भागना दौड़ना ना पड़े ठीक है इसलिए आपकी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हम लेकर के आए हैं मेगा पैक्स जिसमें आपको आपके हर पेपर टू के साथ पेपर वन की क्लासेस भी मिलेंगी ठीक है देखिए इकोनॉमिक्स का मेगा पैक है कॉमर्स का मेगा पैक है होम साइंस इंग्लिश का मेगा पैक है जोग्राफी है पॉलिटिकल साइंस है मैनेजमेंट है राइट ठीक है ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए है ठीक है जी मेगा पैक अब मेगा पैक चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर बाकी सारे कोर्सेज छः महीने के लिए लेकिन अगर आप मेगा पैक लेते हो तो सेम कॉस्ट पे महीने के लिए ये ऑफर है है ठीक कितने महीने के लिए बारह महीने के लिए ऑफर आपको मिल जाएगा एनरोल कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूं सबके लिए सेम तरीका है ठीक है सबके लिए सेम तरीका है आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए पेपर वन प्लस पेपर टू की क्लासेस 12 महीने के लिए देखिए मात्र सिक्स नाइन जीरो सेवन की कॉस्ट पर है जिसमें आपको दस यूनिट पेपर वन की दस यूनिट पेपर टू की मिल रही है पर बताओ रिपब्लिक डे और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए ना खुशी का मौका है मैम और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो बिल्कुल Y792, अगर आप लगा लेते हो तो देखो आपको ये जो कोर्स है वो एट्टी परसेंट ऑफ के साथ मात्र सिक्स टू सेवन नाइन पर मिल जाएगा क्या कोड लगाने पे Y792. ध्यान रखिएगा अगर ये कोड नहीं लगाओगे तो ये कोर्स आपको महंगा मिलेगा अब चॉइस आपकी है महंगे में लेना है सस्ते में लेना है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है बहुत अच्छी चीज है इसलिए मैं आपको बोर्ड पे दिख रही हूँ स्टूडेंट्स जानते हैं जब डबल वैलिडिटी दिखती है तब संस्कृति मैम दिखती है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फायदे की बात है ये लिटरली स्टूडेंट्स के फ़ायदे की बात है इसीलिए ऐसा हो जाता है ठीक है जी राइट तो ध्यान से कोड ज़रूर लगा लीजिएगा वाई सेवन नाइन टू अगर आपको मेगा पैक्स में एनरोल करना है मात्र सिक्स टू सेवन नाइन की कॉस्ट पर बारह महीने के लिए ठीक है ना ट्वेल्व मंथ्स के लिए इसमें आपको पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों मिल रहा है दोनों की टेस्ट सीरीज दोनों की लाइव क्लासेस दोनों की पी और भी बाकी सारी, सारी 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 जितने फीचर्स हैं पेपर वन पेपर टू दोनों के क्लब करके ठीक है जी आज का समय है प्लीज एनरोल कर लीजिए बाद में प्राइस भी बढ़ेगा वैलिडिटी भी घटेगी है ना और आपका समय भी जाया हो जाएगा कि मैम लाइव क्लास के पैसे दिए थे लेकिन अब लाइव क्लासेस भी बहुत सारी आगे निकल गई है सही समय पे सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें सो so दैट सही टाइम पे नेट जारफ क्वालीफाई हो पाए वो मलाल रहए मन में कि हमने तो यार सही टाइम पे अगर स्टार्ट कर लिया होता एक महीने पहले और अच्छे से पढ़ लिया होता तो हमारा आज जो एक दो नंबर से नेट जी छूट गया है वो नहीं छूटता ठीक है जी तो इसी उम्मीद और आशा के साथ ये आप सभी जून अटेम्प्ट के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अभी के लिए दीजिए इजाज़त कोर्सेज में एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि डबल वैलिडिटी ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वाई सेवन नाइन टू जरूर लगा लेना अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए नहीं चाहिए है महंगे में कोर्स लेना है तो मैं नहीं रोकूंगी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी